नमस्कार, टेक्नी बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स से संबंधित जनरल नॉलेज के 10 अद्भुत सवाल देखेंगे और उनके जवाब भी देखेंगे। इस सवाल जवाब की सीरीज में हर एक सवाल के साथ आपको 3 सेकंड का वक्त मिलेगा और 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिनमें से एक सही जवाब आपको निर्धारित करना है। यदि आप चाहें तो उसे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप जरूर लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं सबसे पहले आज का पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, हिमा दास को और किस नाम से जाना जाता है? आपके 3 ऑप्शंस हैं, बंगाल एक्सप्रेस, ढींग एक्सप्रेस, आसाम एक्सप्रेस। आपका वक्त शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है ढींग एक्सप्रेस। दोस्तों, हिमा दास का जन्म आसाम राज्य के ढींग शहर के पास कंधुली मारी गांव में रंजित और जोनाली दास जी के यहाँ हुआ था। 18 साल की ही उम्र में इन्होंने अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता और वह महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में ट्रैक इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी बन चुकी। चलिए देखते हैं आज का दूसरा सवाल। एशियन स्पोर्ट्स राइटर यूनियन ASU को जिस नाम से जानते हैं ने हाल ही में किस भारतीय को बेस्ट फीमेल एथलीट घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं हिमा दास, PV सिंधु, MC मैरीकॉम। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही जवाब है MC मैरीकॉम। MC मैरीकॉम, जिनका पूरा नाम मैंगते चंगनेइजेंग मैरीकॉम है, जो कि मणिपुर राज्य की एक मुक्केबाज हैं और इनका जन्म 1 मार्च 1983 को मांगे चुगनेजांग में हुआ था, जो कि मणिपुर में एक जगह है। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। उससे पहले 2010 के एशियाई खेलों में भी कांस्य पदक जीता और 2014 के एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। मैरीकॉम 6 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता की विजेता रह चुकी हैं। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में अगस्त 2019 की ये बात है, मैं PV सिंधु ने किस देश में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती है? तो इसके जो ऑप्शंस है वो ये हैं, स्विट्जरलैंड, जापान, इंग्लैंड। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। जी हाँ, PV सिंधु ने बासेल स्विट्जरलैंड में आयोजित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता और उन्होंने इतिहास रच दिया और वो पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ऐसा कार्य किया है। इस प्रतियोगिता में उन्होंने जापान की नोजोमी ओकुहारा को 21-7 और 21-7 से सीधे सेटों में हरा दिया, काफी जल्दी ही हरा दिया था। और इससे पहले वह इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार रजत और 2 बार कांस्य पदक जीत चुकी है। हमारा अगला सवाल है, NBA में खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? 3 ऑप्शंस आपको देते हैं, सतनाम सिंह, अमजोत सिंह, अमृतपाल सिंह। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सतनाम सिंह। जी हाँ, सतनाम सिंह ने जून 2015 में NBA, जी हाँ, सतनाम सिंह जिनकी हाइट 7 फुट 2 इंच है, NBA में 2 जून 2015 में डलास मैवरिक्स की ओर से खेलने वाले वो पहले भारतीय बने और ये पंजाब के बरनाला जिले के बालूके नामक गांव में पैदा हुए थे। उन्होंने प्रतिष्ठित ब्रैडनटन स्थित IMG एकेडमी में प्रशिक्षण लेने का लिया था और उससे पहले इसी एकेडमी से कोबे ब्रायंट, विंस कार्टर, जोकिम नू और चाउनी बिलप जैसे बड़े खिलाड़ी। आज का हमारा अगला सवाल है, टीम हॉकी इंडिया की स्पॉन्सरशिप किसके पास में है? काफी इंटरेस्टिंग है, चलिए देखते हैं आपको इसका उत्तर पता है या नहीं। आपके 3 ऑप्शंस हैं, कोल इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही आंसर है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। फरवरी 2018 में ओडिशा सरकार ने अगले 5 साल के लिए भारत की पुरुष और महिला हॉकी टीमों को प्रायोजित करने का जिम्मा लिया है। इसके पहले यह अनुमान सहारा इंडिया के साथ था। ओडिशा के CM नवीन पटनायक ने कहा था कि ओडिशा में हॉकी एक खेल से अधिक बढ़कर है, यह जीवन का एक तरीका है, खासकर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जहाँ बच्चे हॉकी स्टिक के साथ चलना सीखते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर शतरंज में कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, परिमार्जन नेगी, SP सेतुरमन, D गुगेश। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है D गुकेश। D गुकेश तमिलनाडु के हैं और वो भारत के सबसे युवा और दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं।
उन्होंने यह मुकाम जनवरी 2019 में 17वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतकर प्राप्त किया। 12 साल की उम्र 7 महीने और 17 दिन की उम्र में गुकेश केवल 17 दिन के अंतर से शतरंज के इतिहास में सरगेई कारजाकिन के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे वजनी क्रिकेटर कौन है? ये काफी लेटेस्ट अपडेट है, आपको शायद पता भी हो। चलिए देखते हैं आप जानते हैं या नहीं इसका आंसर। इसके ऑप्शंस हैं रहकीम कार्नवाल, इंजमाम उल हक, ड्वेन लेवरॉक। आपका समय शुरू होता है अब। और इसका सही जवाब है रहकीम कार्नवाल। जी हाँ, रहकीम कार्नवाल वेस्टइंडीज की ओर से खेलते हैं। इनका वजन 140 किलोग्राम है और इनकी उम्र 26 वर्ष है। और ये उस समय सबसे भारी टेस्ट क्रिकेटर बन गए जब भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए 30 अगस्त 2019 को वेस्टइंडीज के प्लेइंग 11 में इन्हें शामिल किया। इसके पहले सबसे हैवीएस्ट क्रिकेटर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान वार्विक आर्मस्ट्रांग थे, जिनका वजन 133 से 139 किलोग्राम था। हमारा अगला सवाल है, हर साल आयोजित होने वाली विंबलडन चैंपियनशिप में लॉन टेनिस की कुल कितनी गेंदें प्रयोग होती हैं? ऑप्शंस हैं 52,250, 54,250, 50,250। आपका समय शुरू होता है और इसका सही आंसर है 54,250। जी हाँ, आपको आश्चर्य होगा कि हर साल विंबलडन प्रतियोगिता में 54,000 से ज्यादा गेंदों का निर्माण किया जाता है और इन गेंदों का निर्माण स्लैंगर नामक कंपनी करती है। 2018 में 54,250 गेंदों का इस्तेमाल हुआ था। औसत अगर निकाली जाए तो लगभग 42,000 गेंदें तो हर विंबलडन प्रतियोगिता में इस्तेमाल होती ही होती। और आज का हमारा जो अगला सवाल है, देखते हैं क्या है। जी हाँ, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? काफी इंटरेस्टिंग और आश्चर्यजनक है। चलिए पहले ऑप्शंस देते हैं, क्रिकेट, घुड़सवारी, भुजकाशी। समय शुरू होता है आपका अब और इसका सही उत्तर है भुजकाशी। जी हाँ, भुजकाशी अफगानिस्तान का एक पारंपरिक और राष्ट्रीय खेल है। यह पारंपरिक खेल पोलो के समान होता है जिसपे घोड़े की पीठ पे बैठकर लोग गेंदों की बजाय एक बकरे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और यह बकरा मरा हुआ होता है और उसका सिर नहीं होता है। और भुजकाशी का तात्पर्य फारसी में बकरी को खींचने का रूप में होता है। तो आज का हम सबसे अंतिम सवाल देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं, कबड्डी का हिंदी में क्या अर्थ होता है? चलिए देखते हैं आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं या नहीं। ऑप्शंस हम आपको देते हैं, हाथ पकड़, सिर पकड़, पैर पकड़। आपका समय शुरू होता है अब। जी हाँ, इसका सही उत्तर है हाथ पकड़। कबड्डी शब्द एक तमिल शब्द काई पीडी से आया है जिसका अर्थ है हाथ पकड़ना। कबड्डी एक ऐसा मात्र खेल है जिसमें भारतीय टीम, चाहे वो पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग, उन्होंने सभी विश्व कप जीते हैं। हालांकि इस खेल की उत्पत्ति अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि खेल का आविष्कार कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई के दौरान अभिमन्यु ने किया। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित जीके के 10 सवाल और उनके जवाब। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें आगे दिशा मिलती है और बेहतर करने की प्रेरणाएं हमें मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।